और अब बात करते हैं सीहोर की, जहां बुधनी विधानसभा के रेहटी में आप पार्टी की दर्जनों लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। बैठक में आम आदमी पार्टी के संगठन सचिव नरेश कुमार ने पार्टी का पक्ष रखते हुए मीडिया को कहा कि आम आदमी पार्टी जाति और धर्म से दूर रहकर केवल शिक्षा, रोजगार और आम आदमी की जरूरतों का ध्यान रखती है। आम आदमी पार्टी दिल्ली एवं पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब मध्य प्रदेश में भी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। वहीं पूरे जिले में सभी नगर निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी। इसके लिए कई लोगों के फॉर्म भी आ चुके हैं। चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति भी की जा चुकी है। बुधनी विधानसभा क्षेत्र में विकास के मुद्दे पर वोट पड़ेगा। केजरीवाल सरकार के काम की राजनीति से प्रभावित होकर दर्जनों लोगों ने सदस्यता फॉर्म भरे हैं। विराट 24 न्यूज के लिए सीहोर से पवन महेश्वरी की रिपोर्ट। निकला घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, पहले लड़े थे कोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे कोरों से, जंग लड़ो बेईमानों से, पहले लड़े थे कोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे कोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का एक सिपाही हूँ। मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है, उसी के तहत आज सीहोर जिले की जिला कार्यकारिणी और नगरी निकाय और त्रिस्तर के पंचायत चुनाव के प्रभारी नियुक्ति के लिए हम लोग आज यहाँ रेहटी में आए हैं। इसमें आपके बुधनी विधानसभा के जितने भी नगर परिषद हैं, उनके चुनाव की रणनीति पे आज हम लोगों ने चर्चा की है, और साथ में वहाँ चुनाव कैसे लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी की क्या एजेंडा रहेगा, क्या पॉलिसी रहेगी, उसके लिए हमने यहाँ हमारे कुछ साथियों को प्रभारी नियुक्त किया है। और उनके प्रभार में यहाँ के जो प्रत्याशी होंगे वो अपना फॉर्म देंगे, फॉर्म हमारे पास जाएगा, प्रदेश स्तर से वहाँ से नॉमिनेशन होकर नहीं वापस आपके यहाँ वो नेतृत्व करेंगे। और आम आदमी पार्टी आज पूरे मध्य प्रदेश में नगरी निकाय चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ने जा रही है। इस वक्त आम आदमी के लिए मध्य प्रदेश की पूरी जनता भरपूर समर्थन दे रही है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, राजगढ़ भी मैं गया हूँ, रायसेन भी मैं गया हूँ, आप सीहोर में कल थे हम लोग, आज आपके यहाँ रेहटी बुंदी में है। तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से नगरी निकाय चुनाव लड़ने जा रही है। अभी तो यही हमारी रणनीति है। इस पे हम लोग, हमारे जो प्रत्याशी रहेंगे, उस प्रत्याशियों का कुछ क्राइटेरिया हम लोगों ने तय किया है। साफ सुथरी छवि के लोग होंगे, भ्रष्टाचारी लोग नहीं होंगे, जात पात की राजनीति वाले लोग नहीं होंगे, धर्म की राजनीति करने वाले लोग नहीं होंगे। जो भी लोग हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहता हूं कि अच्छे लोग, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे अन्य किसी भी दल के हों, आम आदमी पार्टी में स्वागत है, और वो आके चुनाव लड़े और चुनाव में जीतने के लिए पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी के लिए काम करें। बुधनी में आपका माहौल क्या है, आप आए हैं आज, तो आपने माहौल भी देख ही लिया होगा जनता के। बुधनी में माहौल तो बहुत अच्छा है, शिवराज मामा ने हमें तो बहुत मौका दिया है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कहीं थोड़ा सा हमारी चूक हुई है, पर उसकी वजह भी है कि कोरोना काल था, हम लोगों का संगठन बीच में 18 में चुनाव के बाद एकदम लूज हो गया था। अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह से काम चल रहा है, पंकज सिंह जी पूरे देश प्रदेश में घूम रहे हैं, चाहे वो झाबुआ हो, बस्तर हो, नीमच हो, हरदा हो, टिमन्नी हो, बैतूल हो, चाहे भोपाल हो, अभी कल सागर गए थे, पूरे मध्य प्रदेश में पंकज सिंह जी पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। हमारे दिल्ली के नेतृत्व में अभी हमें नया एक प्रभारी दिए हैं, आदरणीय मुकेश गोयल जी, वो बराबर हमारे आज भोपाल में वो आए हैं।